अब हम लोग देखेंगे मेंडलीफ की आवर्त सारणी, मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल 1869। अब हम लोग देखेंगे कि मेंडलीफ जो साइंटिस्ट थे, जो वैज्ञानिक थे, तत्वों को किस प्रकार से वर्गीकृत या क्लासिफिकेशन या क्लासिफाइड करने का प्रयास किए थे, किस प्रकार से, इनका आधार क्या था, इनके अकॉर्डिंग कितने ब्लॉक, कितने आवर्त, कितने वर्टिकल कॉलम में बांटा गया था तत्वों को, उन सभी की चर्चा करेंगे। तो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं स्टेटमेंट कि सभी वैज्ञानिकों में, सभी वैज्ञानिकों का मतलब यदि लेक्चर नंबर 1 आप देखे होंगे तो आपको पता होगा कि तत्वों को क्लासिफाइड करने के लिए बहुत सारे वैज्ञानिक आए थे, ठीक है, जिनमें से मेंडलीफ को महत्वपूर्ण सफलता मिली थी, अर्थात सबसे अधिक सफलता मिली थी मेंडलीफ को, और आधुनिक में पीरियोडिक टेबल का, आवर्त सरणी का इनका जो नियम था वो आधारशील बना। आगे मैं सिस्टमेटिक जब बताऊंगा तो और बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आएगा। तो देखिएगा इनका जो नियम था, देखिएगा द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट्स, किसी भी तत्व का जो भौतिक गुण और रासायनिक गुण जो होता है उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होता है, पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट, ठीक है। अर्थात कहने का मतलब है कि किसी तत्व को उनके परमाणु भारों के क्रम में अरेंजमेंट किया जाए, ठीक है, बढ़ते हुए क्रम में रखा जाए तो एक नियमित अंतर के बाद उसमें कुछ समानताएं पाई जाती है, अर्थात समान गुण धर्म वाले तत्वों को एक जगह, असमान तत्व वाले, असमान गुण धर्म वाले तत्वों को अलग अलग ग्रुप और पीरियड्स में क्लासिफाइड करने का प्रयास किए, कौन, मेंडलीफ, ठीक है ना। तो देखिएगा इनका जो नियम था क्या था कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट, ठीक है। इन आप देखिए एंट्रेंस एग्जाम में यही पूछा जाता है कि मेंडलीफ का जो आवर्त नियम है उसका आधार क्या है, ऑप्शन बना सकता है परमाणु क्रमांक, परमाणु भार, ठीक है, या द्रव्यमान संख्या, ETC, ऑल ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो आप इसको विशेष ध्यान देंगे कि जो मेंडलीफ का आवर्त नियम था वह आधारित था किस पर, एटॉमिक वेट पर, परमाणु भार पे था, ठीक है ना। देखिएगा अब हम करेक्टर देख लेते हैं कि मेंडलीफ ने अपने पीरियोडिक टेबल में तत्वों को किस प्रकार से अरेंजमेंट किए और उसके बारे में क्या बताएं। तो देखिए इसमें इट इज बेस्ड ऑन एटॉमिक वेट, इनका जो नियम है ना वो किस पे आधारित है, मैंने आपको बताया ना एटॉमिक वेट पर, परमाणु भार पर आधारित है। देखिए 63 एलिमेंट वेयर नोन, जो 63 तत्व ज्ञात थे, ठीक है ना, उस समय नोबेल गैसेस वेयर नॉट डिस्कवर्ड, मेंडलीफ के समय में केवल 63 तत्व ज्ञात थे, ठीक है, नोन थे और नोबेल गैस की खोज नहीं हुई थी, ठीक है ना। उसके बाद देखिएगा ही वाज फर्स्ट साइंटिस्ट, वह एक प्रथम ऐसे वैज्ञानिक थे, ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने टू क्लासिफाइड द एलिमेंट इन ए सिस्टमेटिक मैनर, दैट इज इन हॉरिजॉन्टल रॉ, हॉरिजॉन्टल का रॉ को हम कहते हैं क्या, क्षैतिज रेखा, ठीक है ना, क्षैतिज रेखा मैं आपको भी बताऊंगा, क्षैतिज रेखा एंड वर्टिकल कॉलम्स। मेंडलीफ एक ऐसे वैज्ञानिक थे कि इनके समय में जो 63 तत्व ज्ञात थे ना, जो खोज हो गए थे, उनको अपने समय में तुरंत क्लासिफाइड कर दिए थे, किस में, हॉरिजॉन्टल रा एंड वर्टिकल कॉलम। अभी आपको पता चलेगा कोई हॉरिजॉन्टल रा किसे कहते हैं, मैं बता भी सकता हूं यहीं पे, सेंटेंस के माध्यम से देखेंगे तो और भी बेहतरीन समझ में आपको आएगा। तो देखिएगा हॉरिजॉन्टल रा, जो क्षैतिज रेखाएं होती है ना, आर कॉल्ड कहलाता है पीरियड्स, यानी आवर्त कहते हैं उसे, दैट इज 7
यानी सेवन पीरियड्स, सात आवर्तों में 63 तत्वों को मेंडलीफ ने वर्गीकृत करने का प्रयास किए, यानी वर्गीकृत कर दिए। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। उसके बाद हॉरिजॉन्टल रॉ आर कॉल्ड पीरियड्स, दैट इज सेवन पीरियड्स इन मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल। मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में जो हॉरिजॉन्टल रॉ था उसे हम आवर्त कह रहे थे, और आवर्तों की जो संख्या थी कितनी थी, सात। ओके उसके बाद वर्टिकल कॉलम, वर्टिकल कॉलम आर कॉल्ड ग्रुप्स। जो वर्टिकल कॉलम होता है ना, ये वर्टिकल कॉलम जैसे मैं लाइनिंग खींच के बताऊंगा, अभी मैं थोड़ा सा समझा दें उसके बाद मैं आपको और एक्सप्लेन में बताऊंगा। तो देखिएगा, जो वर्टिकल कॉलम होता है उसे हम ग्रुप या समूह कहते हैं। देयर वेयर एट ग्रुप इन मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल। मेंडलीफ के आवर्त नियम में जो ग्रुपों की संख्या थी वो कितनी थी, एट थी, आठ। उसके बाद ईच ग्रुप, प्रत्येक जो तत्व, प्रत्येक जो ग्रुप थे ना, सात, इज डिवाइडेड इंटू ए एंड बी सब ग्रुप्स। ये एक बार फिर से देखिएगा, ईच ग्रुप अप टू सेवेंथ इज डिवाइडेड इंटू ए एंड बी सब ग्रुप। जो ग्रुप सेवन था वह डिवाइड हो गया किसमें, ए एंड बी सब ग्रुप में। ये सब ग्रुप को हम कहते हैं नॉर्मल एलिमेंट कहते हैं, और सब ग्रुप बी को या बी सब ग्रुप आर आल्सो कॉल्ड ट्रांजिशन मेटल ग्रुप कहलाता है, ठीक है। उसके बाद जो ग्रुप एट वाज कंसिस्ट ऑफ नाइन, ये नाइन है, नाइन एलिमेंट इन देयर रॉ। जो ग्रुप आठ था ना वो कंसिस्ट था कितने एलिमेंट के साथ, यानी कितने एलिमेंट, कितने तत्वों से, नौ तत्वों से, ठीक है ना। तो देखिएगा, थोड़ी सी इनकी मेरिट की बात कर लेते हैं, उसके बाद फिर आपको एक्सप्लेन कर देता हूं पूरा। मेरिट इनका था, इनका मेरिट और डीमेरिट बहुत ही जरूरी है, ठीक है ना। इनकी सफलता क्या थी, सफलता और असफलता कहते हैं हिंदी में, कमी, ठीक है ना। तो डीमेरिट का मतलब कमी क्या थी इनमें, पहले हम क्या इनकी सफलता की बात कर लेते हैं। तो देखिएगा, फर्स्ट ऑल नोन एलिमेंट, सर्वप्रथम सभी तत्वों को क्लासिफाइड इन ग्रुप इज अकॉर्डिंग टू देयर, अकॉर्डिंग लिख लीजिएगा, टू देयर प्रॉपर्टीज। देखिए, फर्स्ट यानी सर्वप्रथम मेंडलीफ ने क्या किए थे कि उनके प्रॉपर्टीज के आधार पे क्या किए थे, उन्हें वो क्लासिफाइड कर दिए थे ग्रुप और आवर्त में। ये उनकी सबसे बड़ी सफलता थी। और डिस्कवरी ऑफ न्यू एलिमेंट आर गैप, यानी सम गैप्स, उन्होंने उन्हें अनुमान था कि भविष्य में कुछ ऐसे एलिमेंट खोजे जाएंगे, ठीक है, यानी भविष्य में कुछ ऐसे एलिमेंट खोजे जाएंगे उनके लिए इन्होंने खाली स्थान या खाली स्पेस छोड़ दिए कि अगर भविष्य में अगर खोजा जाता है तो उस तत्व को बड़े आसानी के साथ वहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं, क्लासिफाइड कर सकते हैं, वहां पे रख सकते हैं। इनकी सफलता थी। इनकी डीमेरिट की अगर हम बात कर लें तो डीमेरिट का था कि पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन्स, जो मेंडलीफ का नियम होता है ना वो ये नहीं बताता है कि हाइड्रोजन का स्थान कहाँ है। आइसोटोप्स के स्थान को एक्सप्लेन करने में यानी वर्गीकृत करने में असफल रहा। तो देखिएगा, मेंडलीफ ने ज्ञात 63 तत्वों को 7 36 पंक्तियां, मिटा दे थोड़ा सा यहाँ पे, देखिएगा अभी मैं लिखा था ना 7 हॉरिजॉन्टल रहा, ये लिखे थे कि नहीं, तो 7 1 2 3 4 5 6 7 7 हॉरिजॉन्टल रॉ में क्लासिफाइड कर दिए इस प्रकार से, देखिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, हॉरिजॉन्टल रॉ एंड वर्टिकल कॉलम में क्लासिफाइड कर दिए 63 तत्वों को। ये तो आवत आपका हो गया 7, ठीक है ना। अब हम ग्रुप की बात कर लेते हैं। देखिएगा, जैसे यस ब्लॉक के तत्वों की अगर हम बात करें तो यस ब्लॉक हो गया, देखिए यहां तक क्या है, यस ब्लॉक के एलिमेंट है, यस
आगे जब मैं पढ़ाऊंगा तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा ना कि एस ब्लॉक क्या होता है, इसमें कितने एलिमेंट होते हैं, क्योंकि यहाँ मैं चर्चा करूंगा कोई मतलब है नहीं। तो देखिएगा, मान लीजिए यहाँ पे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम हो गया, ठीक है, बेरिलियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आगे हम बात नहीं करेंगे क्योंकि मैं तत्व नहीं पढ़ा रहा हूँ, केवल आपको कोशिश कर रहा हूँ कि जो आवर्त होता है और जो ग्रुप होते हैं उसको समझाने की बात कर रहा हूँ। तो वर्टिकल कॉलम को हम ग्रुप कहते हैं, क्या कहते हैं, ग्रुप, जैसे ग्रुप बोलते हैं ना, ग्रुप फर्स्ट ए, बोलिए, एल्कली मेटल इसी को तो कहते हैं, और ग्रुप सेकेंड ए, उसके बाद डी ब्लॉक के तत्व, उसके बाद सिक्स ग्रुप थे, इधर थे कि नहीं बोलिए, उसके बाद यहाँ पे क्या था, नोबेल गैस था। तो यही था मेंडलीव का आवर्त नियम। आगे हम बात करेंगे मोजले का आधुनिक या मॉडर्न आवर्त सरणी, ठीक है, आधुनिक आवर्त का नियम कहते हैं जिसे, मोजले के आधुनिक आवर्त सरणी को मॉडिफाइड पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं, ठीक है ना। उसके बाद हम अगले लेक्चर में लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे, उसके बाद हम ब्लॉक पे आ जाएंगे। जब ब्लॉक पे आ जाएंगे तो यस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक की बात करेंगे। ओके।